नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार कानपुर से किचन गार्डनिंग चैनल पर मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आज ये देख रहे हैं, आप देख के समझ गए होंगे, आज मैंने अपनी छत के ऊपर एक नया जाल जो रस्सी से बनवाया है, ये नारियल की रस्सी होती है। मेरा पुराना वाला जाल 2 साल का हो गया था जो कि काफ़ी सड़ गया था और काफ़ी नीचे था, उसी के ऊपर लगभग 8 फुट हाइट पर मैंने अपना दूसरा जाल एक लगवा दिया है और आपको दिख रहा होगा, इधर से मैं दिखाता हूँ, ये दूसरा जाल मैंने बनवाया है 8 फीट पे, ये दूसरा जाल बनवा दिया और ये मेरी जो बेलें हैं ये अब इस जाल को पकड़ लेंगी। और इस जाल में जो खर्चा आया है, ये जाल है 30 फीट बाई 18 फीट, 30 फीट ये लंबा है और 18 फीट चौड़ा है और इसमें रस्सी लगी है 4.5 किलो और जबकि इसका 1 किलो का भाव 70 रुपये किलो रस्सी मेरे को मिली है, तो 4.5 किलो रस्सी लगी और ये भैया को मैं बाज़ार से लेके आया हूँ। और ये इस तरह से देखिए रस्सी को बना के दूसरा मेरा जाल तैयार कर रहे हैं, आप देख लीजिए ये भैया किस तरह से इस रस्सी में गांठ मार रहे हैं। और ये भैया मेरे पास काफ़ी समय से एक बार और काम मेरा कर गए थे इस तरह का, क्योंकि ये काम हम भी कर सकते थे मगर एक्चुअली में क्या है कि ये पूरे दिन हम लोग इस तरह का काम तो करते नहीं हैं, इसलिए हम लोग को इसका अनुभव कम है मगर काम कराने का अनुभव है। इसलिए भैया से मैंने कहा था कि ये मेरा जाल बनाना है, मेरा पुराना जाल ख़राब हो गया था, तो भैया बोले कि चलिए मैं आपका जाल बना दूँगा और इन्होंने बहुत अच्छा जाल बनाया। मगर आपको एक चीज़ मैं बताऊँगा कि इसमें 2 तरह की रस्सियाँ आती हैं, एक रस्सी थोड़ा मोटी आती है और एक रस्सी जरा सी भारी आती है और एक रस्सी हल्की आती है। अभी मैंने थोड़ी रस्सी कम पड़ गई थी तो मैंने बाज़ार से मंगाया तो वो पतली रस्सी उन्होंने मेरे को दे दी, वो 1 किलो के लगभग रस्सी थी। मैं 3 किलो पहले लेके आया था तो उसमें जाल में 1 किलो रस्सी कम पड़ी, तो बाद में जो 1 किलो मैं रस्सी लेके आया वो रस्सी थोड़ा सा पतली दे दी। मगर आप जब कभी जाल बनाइए तो ये ध्यान रखिएगा 3 किलो में वो 5 लच्छी आई थी, लच्छी का मतलब जो बंडल होते हैं वही था कि उसमें 5 बंडल आए थे 3 किलो में। और इसमें जब ये 1 किलो अभी मेरा बेटा लेके आया तो उसमें 1 किलो में 3 बंडल आए, तो इसका मतलब ये काफ़ी पतली है और हल्की है। मगर आप ये हल्की, अब मेरा थोड़ा सा जाल बचा था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और ना उसको बदलने के लिए गया, क्योंकि मैं तो थोड़ा दूर से लेके आया था, मैंने सोचा अब उतनी दूर जाऊँगा तो काफ़ी समय लगेगा और भैया को भी टाइम होगा, इसलिए मैंने यही पतली थोड़ी सी बची थी इसलिए मैंने पतली रस्सी लगवा दी। और मेरे बगल में थोड़ा सा काम चल रहा है घिसाई मशीन का, तो उसकी की आपको डिस्टरबेंस की जो आवाज़ आ रही है वो उसी की आ रही है। भैया ने देखिए पूरा जाल लगभग कंप्लीट कर दिया, थोड़ा सा बचा हुआ है और मौसम भी आज मेरे यहाँ बहुत अच्छा है। इस तरह से देखिए भैया इसमें गांठ लगाते हैं, इसमें गांठ लगा के फिर इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। आप अभी इसमें भैया जोड़ लगाएंगे और जोड़ लगा के इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भैया किस तरह से दूसरी रस्सी का इसमें जोड़ लगाएंगे, पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो पे बने रहिए। एक्चुअली मैं बगल में घिसाई का काम चल रहा है, उन्होंने मार्बल लगवाया था तो मार्बल में घिसाई चल रही है, इसलिए मैं उनसे कह तो सकता था कि भैया थोड़ी देर वीडियो बनाना है, ज़रा देर से के लिए आप मशीन अपनी बंद कर दीजिए, मगर थोड़ा सा मेरे को लगा कि वो सोचेंगे वीडियो ये बना रहे हैं मशीन मेरी बंद करा रहे हैं, इसलिए कोई नहीं, आप लोग समझ गए होंगे समझे। अब देखिए भैया इसमें इस तरह से रस्सी में गांठ लगाएंगे, इस तरह से गांठ मारने के बाद इस रस्सी को आगे कैसे बढ़ाते हैं आप देखिए भैया, अभी इसको आगे रस्सी को आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए इस तरह से रस्सी को आगे बढ़ाया और बढ़ाने के बाद में ये देखिए इस तरह से रस्सी में वहीं पे एक फंदा मार के और इस तरह से टाइट कर देते हैं। आप लोग घर पे भी इसको बना सकते हैं मगर एक्चुअली में मेरे को इतना पूरे दिन काम करने का तो वो नहीं है, क्योंकि धूप पे भैया लोग तो रह सकते हैं मगर हम लोग ज़्यादा देर धूप पे नहीं रह सकते। अब इसको ऐसे गांठ मारने के बाद मजबूती से
अब भैया इस बंडल को आगे की तरफ इस तरह बढ़ा लेंगे, ये इस तरह से। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। नमस्कार, मैं राजीव कुमार कानपुर से किचन गार्डनिंग चैनल पर, मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है।